नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत मायने रखते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके माइंड में होता है कि हम अपना क्रिएटिन कैसे डाउन करें, इससे शुरुआत करते हैं। क्रिएटिनिन को अगर हमने डाउन करना है तो हमें क्रिएटिनिन को समझना पड़ता है कि क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में कहाँ बन रहा है और कैसे वो हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जब वो हमारे खाना हमारी मसल्स में जाता है, एनर्जी बनाता है, तब उसमें ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस के अंदर एक वेस्ट मटेरियल बनता है क्रिएटिनिन। समझने वाली ये बात है कि हर किसी की बॉडी में बनता है समान मात्रा में। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में भी उतनी मात्रा में बन रहा है, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी उतनी ही मात्रा में बन रहा है। मगर किडनी के काम ढंग से ना करने के कारण जो किडनी का काम है कि क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालना, वो नहीं हो पा रहा होता। इसकी वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है और ये बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल्स हमें ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब जितनी मात्रा में क्रिएटिनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होगा, उससे हमें पता लग जाता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है या फिर आप कह सकते हो कि कितना खराब काम कर रही है। अब क्रिएटिनिन को अगर हमने कम करना है तो हमारे पास दो तरीके इसके बनते हैं। या तो हम इसकी जो बॉडी में फॉर्मेशन है इसे कंट्रोल करें, या फिर हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर क्रिएटिनिन की जो क्लियरेंस है उसको सुधार करें। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ अपने सारे पेशेंट्स को कि आपने दोनों पे ही साथ साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल का बिल्डअप होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, तो वो सिम्टम पैदा करेगा, कॉम्प्लिकेशन देगा। तो हमें इसे कंट्रोल करना है अपने खाने पीने से। अब जितना भी किडनी फेलियर पेशेंट है, अगर वो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाते हैं तो ये देखा जाता है कि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। और जब क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ती है तो उसकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर भी बढ़नी शुरू होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने खाने पीने से कंट्रोल करना क्रिएटिनिन को, तो पेशेंट को अपने प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करना चाहिए। बॉडी में उतना ही प्रोटीन डालना चाहिए जितना बॉडी को डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रोटीन का इनटेक फिश, एग, मटन, चिकन फॉर्म में हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा और रिपोर्ट में भी नज़र आएगा। मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी किडनी पे काम करना, क्योंकि किडनी अपने आप ख़राब नहीं हो रही, उसके पीछे रीज़न है। 80% केसेस के अंदर किडनी ख़राब होने का रीज़न हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर होता है। अगर आप किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बीपी आपका बढ़ा रहता है, शुगर आपकी बढ़ी रहती है, तो सारा का सारा ट्रीटमेंट फेल होता रहेगा, किडनी ख़राब होती रहेगी और क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, मगर उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि किडनी को आगे ख़राब ना होने देना, और उसके लिए हमें अपनी बीपी और शुगर को हर कीमत पर कंट्रोल में लेकर आना ज़रूरी हो जाता है। एक बार बीपी और शुगर कंट्रोल में आ गए तो कम से कम किडनी को आगे और नुकसान नहीं होगा। अगर उसे आगे नुकसान नहीं हो रहा तो क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार वो बढ़ना बंद करेगी तभी हम सोच पाएंगे कि उसको हम नीचे कैसे लेके जाएं। अब किडनी की कुछ सुपर पावर होती है, उसे भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी इंसान की एक किडनी किसी भी कारण से ख़राब हो जाए, उसे एक किडनी ही काम बॉडी में हो, तो भी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ यूरिया लेवल्स नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते, ये एक सवाल है। ये इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि किडनी के पास खूबी होती है अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेने की, जो कि हमने देखा किडनी एक होने के बाद भी लेवल नहीं बढ़े। अगर यही क्षमता हम हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करें तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल्स है, यूरिया लेवल्स है, वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। इसी को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। मगर उसके लिए, जैसे मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया कि हमें बीमारी के कारण को पहले निकालना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में बीपी और शुगर होता है। ये कंट्रोल होने के बाद किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, और एक बार वो तैयार हो गई, अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाती है, क्रिएटिनिन और यूरिया यूरिन के आउटपुट से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है और वो हमारे ब्लड लेवल्स में कम होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अब जब आपकी किडनी ख़राब होना बंद हो जाती है, उसमें सुधार होना शुरू होता है, क्रिएटिनिन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत आसान और समझने वाली बात है कि डायलिसिस की जो नौबत, जो डर होता है किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी की कंडीशन अब स्टेबल होती है, क्रिएटिनिन के लेवल्स अब बढ़ने बंद हो गए। तो आप सभी को समझना है कि अगर हमें डायलिसिस को अवॉइड करना है या फिर हमें ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना है, तो हमें अपनी किडनी का ध्यान रखना पड़ेगा।
हर कीमत पे रखना पड़ेगा, उसे जो चीज़ परेशान कर रही है उसको अपनी बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी को ठीक से रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे हैं योगा। अब योगा के कुछ आसन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली बताए जाते हैं कि वो किडनी पेशेंट के लिए अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन किडनी की तरफ अच्छा कर रहे होते हैं। बॉडी में अगर आप योगा करते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, ऑक्सीजन लेवल बेटर होता है, तो अंदर के टिश्यू को ऑब्वियस है अच्छा लगेगा। तो ये जो योगा आसन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको करने से किडनी फेलियर पेशेंट को आराम मिलता है। तो पहला आसन है भुजंग आसन, दूसरा आसन है पश्चिम उत्थान आसन, तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, चौथा है नौका आसन। इन आसनों को करने से किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन आसनों को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उन्हें बाकी जितनी भी हैवी एक्सरसाइज होती है वो मना होती है। आप रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, कोई भी एग्रेसिव एक्सरसाइज आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स मूव करती हैं, मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जब भी मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जो कि रिपोर्टों में धीरे देखने को मिलेगी। अगर आप मसल्स को एग्रेसिवली मूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे बड़े सवाल की तरफ, जो कि हमें पेशेंट की तरफ से मिला है कि सोना बाथ लेने से क्या किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है या नहीं होती? होती है तो उसके हमें फ़ायदे मिलते हैं या नहीं मिलते? सोना बाथ के फ़ायदों को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोना बाथ लेते समय हमारे शरीर के साथ क्या होता है। जब हम सोना बाथ लेते हैं तो हम एक हाई टेम्परेचर में, एक हाई ह्यूमिडिटी वाले कमरे में रहते हैं। इसमें हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है, और जब पसीना निकलता है तो पसीने में जो पानी हमारी बॉडी में बाहर जा रहा होता है, यानी स्वेटिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड की जो बैलेंसिंग है वो अच्छी हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो पसीने के साथ निकल रही होती है वो है सॉल्ट। अब सॉल्ट का जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का, वो किडनी कर रही होती है। अगर ये काम हम अपनी स्किन के साथ करते हैं, स्वेटिंग करके करते हैं, तो ये फ़ायदेमंद रहता है हर किसी के लिए। तीसरी चीज़ जो हमारी पसीने में निकलती है, जो कि आप सभी को नहीं पता, वो है यूरिया। हमारे यूरिन में से निकलने वाला यूरिया से 50 गुना ज़्यादा यूरिया हमारे पसीनों से निकलता है। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट में यूरिया का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे, तो सोना बाथ लेना डेली बेसिस पर फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उससे यूरिया की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इससे क्रिएटिनिन लेवल भी कंट्रोल होते हैं? तो आंसर है नहीं। क्रिएटिनिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, वो पसीने के रस्ते बाहर नहीं जा पाता। इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि सोना बाथ लेने के बाद क्रिएटिनिन डाउन नहीं हो रहा, यूरिया अच्छा खासा डाउन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सोना बाथ कितना फ़ायदेमंद है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए? सोना बाथ बेनिफिशियल रहता है किडनी फेलियर पेशेंट में यूरिया के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, फ्लूड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए और सोल्ट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। सोना बाथ लेने से हमारी किडनी की फंक्शनिंग वापस नहीं आती है, तो आप सोना बाथ लीजिए, उसका किसी भी टाइप का कोई नुकसान एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं होता, बल्कि फ़ायदे होते हैं। मगर ध्यान के रखने वाली बात होती है कि हमने अपनी किडनी को बचा के रखना होता है, क्योंकि किडनी थोड़ा काम कर रही है, थोड़ा काम हमने सोना से किया तो हमारा काम बन जाता है। अगर हम सोचें कि सारा का सारा काम हमारा सोना बाथ लेने से हो जाएगा, पसीने निकालने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें क्रिएटिनिन निकालने के लिए हमारी किडनी की सही फंक्शनिंग ज़रूरी है, और उसके लिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें अपनी बीमारी की जड़ पे काम करना होता है। अगर बीपी शुगर के कारण हमारी किडनी ख़राब हो रही है तो पहला काम उस पे बनता है, दूसरा काम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के बनता है। जब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, तो क्रिएटिनिन यूरिया यूरिन के रस्ते अच्छी मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है और हमें डायलिसिस से बच जाते हैं, हम ट्रांसप्लांट से बच जाते हैं। अब जो चौथा सवाल हमें मिला हुआ है वो है प्रोटीन इन यूरिन के बारे में, कि जो प्रोटीन हमारे पेशाब से निकलता है जिसे मेडिकली प्रोटीन यूरिया कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो प्रोटीन यूरिया जो होता है CKD पेशेंट में खासकर इसलिए हो रहा होता है क्योंकि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो किडनी के अंदर जो लाखों की संख्या के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ हो रहा होता है।
ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं अगर किसी भी बीमारी की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसे हम नेफ्राइटिस कंडीशन कहते हैं, सूजन आ जाती है, तो हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाते, और जब वो होल्ड नहीं कर पाते तो प्रोटीन लीक होकर हमारे यूरिन में आना शुरू कर देता है। अब ये जो कंडीशन होती है प्रोटीन यूरिया की, ये अच्छी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि जो आपका खाया पिया खाना होता है, प्रोटीन होता है, वो यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। अब प्रोटीन से जो हमारा खून बनता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है कि खून पतला हो जाता है, और खून के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं, फ्लूड जो होता है, वो हमारी लेग्स में भरना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी लेग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और इस स्वेलिंग से और फर्दर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो। तो इस प्रोटीन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने पहले ध्यान क्या रखना है कि ये जो कंडीशन आ रही है, इसके पीछे कंडीशन है किडनी के अंदर सूजन का होना, और अगर किडनी के अंदर सूजन है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा कारण है। अगर वो कारण आपको पता है, जैसे बीपी है, शुगर है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं सही मेडिसिन लेके मॉनिटरिंग कर, तो उसे करना चाहिए। बीपी कंट्रोल में आता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है, तो बहुत हद तक प्रोटीन की जो मात्रा है यूरिन में डाउन हो जाती है, क्योंकि किडनी को कोई नया नुकसान नहीं हो रहा होता। जो सूजन है किडनी के अंदर, जो नेफ्राइटिस कंडीशन बनी हुई है, उसे सेटल करने पर हमारे यूरिन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से कम होनी शुरू होगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन बिल्कुल निल हो जाता है, उस कंडीशन को हम स्टेबल कंडीशन कहते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा भी बना हुआ है मगर प्रोटीन निल आ रहा है, तो वो कंडीशन ख़राब नहीं होती। उसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ना बंद कर देती हैं, या फिर वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से एक किडनी फेलियर पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक बिना कॉम्प्लिकेशन के लाइफ को जी लेता है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।